नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ तिरुपति मंदिर की रहस्यमयी बातें। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान का वो मंदिर है जहाँ साक्षात भगवान रहते हैं। इस मंदिर में देश ही नहीं बल्कि वर्ल्ड भर के भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तिरुपति बालाजी को तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तिरुमाला पहाड़ियों की सावती चोटी पर मौजूद यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ वर्तमान में तिरुपति बालाजी की मूर्ति की आंखें कपूर के तिल से ढकी हुई हैं। इस स्थान का आनंद निलय द्रव विमान कहा जाता है। दरअसल आनंद निलय दिव्य विमान यह स्थान है जहाँ तिरुपति बालाजी के विग्रह पर पचाई कपूरम चढ़ाने की परंपरा है। यह कपूर से मिलकर बना एक विशेष आलेप है। मानता है कि यदि इस आलेप को किसी साधारण पत्थर पर अर्पित किया जाए तो वह पत्थर कुछ देर बाद चटक जाता है, लेकिन भगवान की मूर्ति पर लेप करने पर आज तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक गुरुवार को भगवान तिरुपति बालाजी की विग्रह को सफेद चंदन से आलेपित किया जाता है। कहते हैं जब इस लेप को हटाया जाता है तो वह विग्रह में देवी लक्ष्मी के चिन्ह बने हुए मिलते हैं। तो वही तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति के पर लगे हुए बाल उनके वास्तविक बाल हैं। आश्चर्यजनक यह है कि ये बाल हमेशा मुलायम, सुलझे हुए और चमकदार रहते हैं। इस मंदिर की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि तिरुपति बालाजी के विग्रह के पिछले हिस्से में हमेशा नमी बनी रहती है। लोगों का मानना है कि इस विग्रह के पीछे से ध्यान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज़ें आती हैं। ऐसा क्यों होता है यह आज तक पता नहीं चला है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।